गरियाबंद में सीएम भूपेश ने की राम मंदिर में पूजा अर्चना। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। अंबिकापुर में धर्मांतरण को लेकर हुई मारपीट, बवाल, जनजाति सुरक्षा मंच राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन। जांजगीर चांपा में राज्य महिला आयोग की सदस्यता शशिकांता राठौर का निधन, बड़ी संख्या में लोग अंतिम यात्रा में हुए शामिल। रायपुर आरक्षण मुद्दे पर सीएम भूपेश बघेल का बड़ा बयान, बीजेपी नेताओं के दबाव में है राज्यपाल। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह के दौर पर सियासत तेज, कांग्रेस नेता सुशील आनंद ने कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। सीएम भूपेश बघेल ने गरियाबंद जिले के ग्राम कुटेना स्थित सिरकट्टी आश्रम राम मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर गृहमंत्री रामध्वज साहू, राजिम विधायक अमितेश शुक्ल मौजूद थे। बता दें कि सिरकट्टी आश्रम ब्रह्मलिंस संत भुवनेश्वरी शरण व्यास जी की तपोभूमि है। वर्तमान में इस आश्रम का संचालन उनके शिष्य गोवर्धन शरण व्यास कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर आरक्षण विधेयक पर राजभवन के कार्यकल्पों पर सवाल उठाया है। राज्य में जनभावनाओं के विपरीत विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित विधेयक को राज्यपाल द्वारा बीजेपी के नेताओं के दबाव में निशाने पर लिया जा रहा है। जब देश में एक संविधान है तो राज्य की जनता के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। बयान देते हुए कहा कि अमित शाह छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए लकी हैं। अमित शाह ने 2018 में भाजपा को मिशन 65 का टारगेट दिया था, कांग्रेस को 67 सीट मिली। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 11 सीट से जीतेगी। छत्तीसगढ़ बीजेपी के नेताओं पर अमित शाह को भरोसा नहीं, भूपेश बघेल को टक्कर देने के लिए अब कोई नेता नहीं बचा है। खेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व का टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि वे छत्तीसगढ़ में जो हारी हुई सीट है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आ रहे हैं और वहाँ पर वे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे। इसका सीधा सीधा आशय यह है कि अमित शाह जी को छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे भरोसा नहीं है। उन्हें भी मालूम है कि छत्तीसगढ़ में श्री भूपेश बघेल के कद का, उनकी योजनाओं को टक्कर देने के लिए, उनके व्यक्तित्व का टक्कर देने के लिए छत्तीसगढ़ में कोई नेता नहीं बचा है। भारतीय जनता पार्टी रायपुर के महादेव घाट में पूर्णिमा की संध्या के अवसर पर राष्ट्रीय करणी सेना द्वारा महादेव घाट में आयोजित खारून गंगा मैया और हटकेश्वर महादेव की भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। आयोजन में 1000 दीपों का दान किया गया, साथ ही श्रद्धालुजनों को प्रसाद भी वितरण किया गया। करणी सेना छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बनारस की तर्ज पर यहाँ भी गंगा आरती का आयोजन किया गया। यह आयोजन न सिर्फ सनातन आस्था और चेतना के प्रचार प्रसार करेगा, साथ ही हिंदुत्व को जागृत करने में अहम भूमिका निभाएगा। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। बताया जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह अब रायपुर आकर हेलीकॉप्टर से कोरबा जाएंगे और कोरबा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में बनाए गए अस्थाई हेलीपैड पर उतरेंगे। पहले उन्हें विलासपुर हेलीपैड पर उतरना था, लेकिन नाइट विजन नहीं होने के कारण उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। जांजगीर चांपा के कांग्रेसी नेत्री और राज्य महिला आयोग की सदस्यता शशिकांता राठौर का दौरा पड़ने से निधन हो गया।
62 वर्षीय शशिकांता राठौर सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। निधन की खबर के बाद जिले में शोक का माहौल है और परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। परिवार, समाज और राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े जनप्रतिनिधियों ने बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेत्री की अंतिम यात्रा में शामिल हुए और रानी तालाब के पास मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया और शोक सभा का आयोजन कर श्रद्धांजलि दी गई। सुश्री शशिकांता राठौर कांग्रेस की महत्वपूर्ण पदों पर, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस के सचिव के पद हो या ICC के सदस्य की पद हो, अभी राज्य महिला आयोग की सदस्य थी, वो इस शहर की एक प्रमुख कांग्रेस की स्तंभ थी। आज उनका स्वर्गारोहण हम सबके लिए, पूरे कांग्रेस परिवार के लिए क्षति है और हम सब ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उनको गोलोक मिलें और उनको शांति प्रदान करें। क्षति तो हमारे ज़िले के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। पहली महिला थी जिसको हर क्षेत्र में जानते थे, वो अधिवक्ता के क्षेत्र में, वो कुशल राजनीतिज्ञ थी और लोगों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहती थी। और कहना चाहूँगा, मेरे लिए तो बहुत बड़ी क्षति है कि जो आज जो कुछ भी हम उसी के बदौलत है। और मैं पूरे शहर में आज मातम की मौसम है, मातम छाए हुए हैं, क्योंकि वो सबके बहुत लाडली थी और सबके मार्गदर्शक थी और सबको आशीर्वाद देके सबके सुख दुख में जाती थी। मैं उसको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हूँ और ये यहाँ का नहीं, छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी क्षति है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर आदिवासियों के साथ मारपीट और फर्जी FIR से नाराज जनजातीय सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल नारायणपुर जिले में पिछले दिनों धर्मांतरण की बात को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ था। इसके बाद खूनी संघर्ष भी देखने को मिला और आदिवासियों के साथ मारपीट भी की गई, जिससे नाराज जनजाति सुरक्षा मंच के द्वारा राष्ट्रपति के नाम कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर जांच की मांग की गई है। 1 जनवरी को नारायणपुर के इड़का में एक शांतिपूर्ण तरीके से पूरा आदिवासी समाज बैठ करके अपने धर्म संस्कृति की रक्षा करने के लिए चर्चा कर रहे थे। तभी 200 से अधिक ईसाइयों का उन पर हमला हुआ। ईसाई पास्टर के नेतृत्व में, पास्टर के आदेश पर, चर्च के आदेश पर हमारे आदिवासियों पर हमला किए, लाठी डंडे से लैस होकर हमारे लोगों पर हमला किया गया। हमारे लोगों ने, मतलब वहाँ के मूल जनजातियों ने, इसकी शिकायत थाने पर की, बाकायदा नामजद थाने पर शिकायत की, उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। ये जो मारपीट किया, इसके साथ पुलिस प्रशासन आई तो पुलिस प्रशासन तक को नहीं बख्शा गया। आज भूपेश सरकार को हम एक बताना चाहते हैं कि इस तरह से आप हमारा प्रदेश को फ्री मत छोड़ो। आपके प्रशासन प्रशासन की बागडोर है, आपकी पब्लिक है, जनता है। अगर इस तरह से करोगे तो आने वाला समय जो रूप धारण करेगा, ये अब शासन बचाने का कोई उसके पास उपाय नहीं है। और उग्र आंदोलन करके हम शासन प्रशासन की भर्त्सना करेंगे। हमारा जनजाति गौरव जनजाति सुरक्षा मंच का यही मांग है कि जो इनके ऊपर हुए अत्याचार को अच्छी तरह से अपना शासन प्रशासन अपना काम करे और जो निरीह लोगों को जो FIR हुआ है उनको वापस करे। पेंड्रा के रिहायशी इलाके में स्थित राइस मिल में अचानक एक हिरण घुस आया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। राइस मिल में एक घुसे हिरण की जानकारी स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद वन विभाग पूरे दलबल के साथ मौके पर पहुंचा। काफी कोशिश के बाद भी हिरण का रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसके बाद वन विभाग ने बिलासपुर में कानन पेंडारी से रेस्क्यू टीम को हिरण के रेस्क्यू करने के लिए बुलाया, जहाँ पर 10 सदस्यीय टीम पेंड्रा पहुंची और हिरण का सफल रेस्क्यू किया गया। कल से सामान आया हुआ था, उसको क्या करते हैं अपना, उसको बाहर से घुमाने की कोशिश की, मगर वो शहर अंदर घुस आया, इसके कारण उसको जंगल में हम लोग बाहर नहीं कर पाए। इसके तहत वन मंडलाधिकारी को सूचित करने के बाद कानन पेंडारी से रेस्क्यू टीम आया है और उसको बाहर ले जाने की तैयारी किया जा रहा है। किस प्रकार की प्रक्रिया हुई अभी? प्रक्रिया में वही है, उनको जाल वाल लेके आए हैं, उनको जो भी रेस्क्यू टीम में जो उनका ये होगा वो अपने हिसाब से करेंगे। ट्रैंकुलाइजर भी किया गया है, बता रहे हैं। कर रहे हैं ना, उनको बाहर ले जाने के लिए तो करना पड़ेगा। प्रथम पहले अभी सबसे पहले क्या किया जाएगा इसको ले जाके?
उसको ले जाएंगे, उसको इलाज करेंगे, देखेंगे उसको कहीं पर चोट आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो उसके बाद जंगल में अंदर। छत्तीसगढ़ के शिवरी नारायण में एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। आरोपी ने महिला के सिर पर कुल्हाड़ी मारकर हत्या को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था, जिसकी वजह से दोनों के बीच अनबन हुई और गुस्से में आकर पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। महासमुंद में 4 माह पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि मृतक की ही पत्नी निकली। मृतक की पत्नी ने हत्या को अंजाम देने के लिए एक दूसरी लड़की के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा। पुलिस ने इस पूरे मामले में शामिल 4 आरोपियों को IPC की धाराओं में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। हत्या की घटना में यह है कि इन्होंने अपनी मृतक का पत्नी ने अपने दोस्त को इन्वॉल्व किया, दोस्त ने अपने दो दोस्त एक लड़की और एक लड़के को इन्वॉल्व किया। सबसे पहले तो लड़की ने उसको प्रेम प्रसंग का झूठा बहाना करते हुए उसको जंगल में बुलाया, जहां उनको जैसे ही आपत्तक जनक स्थिति में आए और इन लोगों ने घेर लिया उसको और वहां उसकी हत्या कर दी। आज के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV। आप देख रहे हैं प्राइम TV, सच साहस सरोकार।